बेसिकली मुदित कौरवी का छोटा भाई मुदित सांपों के खड्डे में फंस जाता है और वो मुझे बताती है और वो भाग के यहाँ आती है। मैं उसका पीछा पीछा करते देखता हूँ कहाँ फंसा है वो, और देखता हूँ कि बहुत सारे सांप है इस खड्डे में और छोटा सा बच्चा है, तो आप उसको ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस दे नहीं सकते। छोटा बच्चा छोड़िए, आप कोई मर्द भी अगर इतने सांपों के बीच में फंस जाएगा तो आप उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं दे पाएंगे। मैं खुद वहाँ जाता हूँ, बच्चे को कोई एक रास्ता ढूंढ निकालता हूँ और उसको ऊपर डालता हूँ। आई हेल्प हिम गेट अप, बट उसके बाद स्नेक शायद और अग्रेसिव हो जाते हैं। दे स्टार्ट अटैकिंग मी इवन मोर अग्रेसिवली। अशोक जी, हाँ, अब आप कैसे बाहर आओगे? हमें और कोई रास्ता नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ। देखो बस, आप उसे हटाओ अशोक। तो लकीली कौरों की वहाँ रहती है एंड वो अब मुझे मेरी हेल्प करती है अपना दुपट्टा फेंक के। बहुत स्लिपरी रहता है, बहुत स्लिपरी होता है, आई कांट क्लाइम अप प्रॉपरली। There is always a hero in every situation. The hero might be God. The hero might be a human being, a man, a woman. Sometimes the hero is an animal. Sometimes the hero is the weather. It can be anything, but there's always a hero. मेरे लिए वो हीरो सिर्फ गॉड है। आई फील, देखिए मेरी पूरी जिंदगी एक कल्बिनेशन है ऑफ पीपल हेल्पिंग मी। मैं कुछ क्रेडिट कभी नहीं ले सकता हूँ जिस मुकाम पे मैं पहुँचा हूँ, जहाँ जो इंसान मैं बनाऊँ मैं उसके लिए कुछ जो अच्छी चीज़ें मेरे में, मैं बोल रहा हूँ बुरी चीज़ें मैं अपने ऊपर लेता हूँ कि वो मेरी गलती, बट जो अच्छे गुण हैं मेरे में, अच्छे क्वालिटीज़ हैं, जो अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं, वो मोस्टली लोगों की वजह से हुए एंड सबसे ज़्यादा गॉड। Because when I had nobody to turn to, I was alone, I turned to God and I always found he answered my prayers. So my hero is God.